यार पता है बीजीआईएस अपने आप में बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट था। लोगों का बीजीएमआई के प्रति प्यार बहुत ज्यादा देखने को मिला, लेकिन वही प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने उसको टॉक्सिसिटी में बदल दिया और वो बीजीएमआई और क्राफ्टन को ही गाली देने लगे। तो वो इतना ज्यादा जरूरी है कि इस चीज को एड्रेस अभी करना ही पड़ेगा मुझे। बीजीआईएस फाइनल्स जो थे वो एक लैन इवेंट थे और मैं तीनों के तीनों दिन वेन्यू पे मौजूद था और मैंने क्लोजली सारी चीजें ऑब्जर्व करी और उसके बेसिस पे मैं तुम सबको ये सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो का मुद्दा और टॉक्सिसिटी का रेफरेंस है ये वीडियो। नहीं हम लोग जाएगा, हम लोग जाएगा। Now just imagine, ये इंसान की जगह पे अगर आपके फादर होते और वो ऐसे लोगों से गालियां खा रहे होते, ऐसे इतने धक्का मुक्की हो रही होती उनके अगेंस्ट में, और वो अपना काम कर रहे हैं, केवल जो उनको गाइडलाइंस दी गई है वो फॉलो कर रहे हैं, जिसके बदले में उनको ऐसी गालियां पड़ रही हैं, इतना ज्यादा उनको फिजिकली हार्म करने की कोशिश करी जा रही है। और ऐसे केवल एक नहीं, कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे वहां पे जिनके ऊपर बैरिकेड तोड़ तोड़ के पूरा चढ़ के जाने की कोशिश करी जा रही थी। जस्ट इमेजिन अगर एक इंसान भी इतने ओल्ड एज में भी है या फिर 40s का भी कोई भी इंसान है, अगर वो गिर जाता तो क्या ऑडियंस उनके लिए रुकती, क्या उन्हें उठाती? सब के सब जितने भी लोग बाहर थे सब के सब उनके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ चढ़ के भाग के जाते। एंड लुक एट दिस गाय, एक बंदा हाथ से मारने की कोशिश कर रहा है, पीछे से बंदा हेलमेट फेंक के मार रहा है, एंड फॉर व्हाट? फॉर डूइंग देयर जॉब। नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ जरा कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की क्या गलती थी, उन्होंने आप लोगों को रोका क्योंकि उनको बोला गया ऊपर से, और उसके बाद में भी बात करेंगे आगे भी, लेकिन आपने ये गाली गलौज करके सिक्योरिटी वालों को मारने की कोशिश करके क्या इस्टेब्लिश कर लिया कि क्राफ्टन को कभी ऐसा कोई इवेंट कराना ही नहीं चाहिए जहाँ पे फ्री टिकट्स हो, या फिर ओपन फॉर ऑल इवेंट रखना ही नहीं चाहिए जहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट कर सके। करोड़ों रुपए खर्चे हैं वहाँ पे, नीरज चोपड़ा सर जैसे लोगों को बुलाए, वो जैसे सेटअप उन्होंने डाला था ना, जो वेन्यू बुक करा था, जिन जिन लोगों को हायर करा था, जो इक्विपमेंट्स वहां पे चल रहे थे, जिस तरीके का प्रोडक्शन था वो 50 से 100 करोड़ रुपए मिनिमम का था। और ये केवल फाइनल्स की बात कर रहा हूं मैं, इससे पहले भी जो बीजेएस था ग्राइंड से लेके जितने भी इन्होंने टूर्नामेंट्स कराए, जो जो टीम इन्वॉल्व हुई, बहुत करोड़ों में खर्चा गया होगा उनका। उनको क्या पड़ी थी ये सब करने की? उनको कहां से कमाई हो रही थी आप लोगों से? टिकट्स तक फ्री रखे गए थे और उसके बाद में भी आप लोगों की ऑडेसिटी थी कि आप ऐसी वीडियोस बनाओ और मुझे टैग करो, ये होप करते हुए कि मैं आप लोगों का सपोर्ट करूंगा इस चीज में। तुम्हें पता है क्रिएटर्स के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो चुकी है और मेरी वॉर है यहाँ पे वांटेड गेमिंग के साथ में लिस्टों पे। हम दोनों के बीच में सोलो टूर्नामेंट की स्टार्ट हो चुकी है वॉर, जिसमें मेरी ऑडियंस को हराना है वांटेड की ऑडियंस को, और करना भी बहुत आसान है, बस तुम्हें रजिस्टर करना है और लिस्टों पर अपनी प्रोफाइल में जाकर गेम कार्ड और टीम कार्ड बनाकर अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना है। 5,000 का ये टूर्नामेंट होने वाला है, और अगर ये छोटा लग रहा है तो असला का सेम लिस्टों पे ही 18,000 का भी टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें तुम फटाफट अपनी स्क्वाड के साथ में रजिस्टर कर सकते हो। केवल दो स्टेप का साइन अप प्रोसेस है, और केवल टूर्नामेंट तक ही बात खत्म नहीं होती है, यहाँ पे डेली स्क्रिम्स और कॉन्टेस्ट भी चलते रहते हैं, जहाँ पर आप रोज अप टू 2,000 रुपीज तक जीत सकते हो, वो भी एकदम फ्री एंट्री के साथ में। तो भाई बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, जल्दी से रजिस्टर करो, लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो भाई अगर आप लोग बीजीएमआई फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये इंसिडेंट तो पता हो गए, जो कि बीजीआईएस के लैन इवेंट के आखिरी दिन में हुआ था। और गाइस मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ बस बीजीएमआई के मैनेजमेंट को कि क्राफ्टन तुमसे घटिया मैनेजमेंट मैंने आज तक नहीं देखा भाई। तुम अगर तुम एक मिनट के लिए भी अंदर चले गए होते ना, या फिर किसी भी क्रिएटर के व्लॉग तक देख लिए होते ना लैन इवेंट के, तो तुम्हें पता चल जाता कि मैनेजमेंट था कैसा असल में। जस्ट बिकॉज तुमको एंट्री नहीं मिल पाई, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि तुम्हारे पास हक आ गया उनके मैनेजमेंट को गाली देने का। तुमसे नहीं हो रहा तो मत करो ना यार, क्यों फ्री में टिकट बेच रहे हो? तुम पैसे ले लो, ये क्या तरीका होता है? तुम कॉन्करर के टिकट देके जब बंदे को क्राउन में बिठाओगे तो बंदे तो लड़ेंगे ही ना, बंदे यही सब करेंगे, और उसके बाद तुम बोलोगे कि भाई मुंबई की ऑडियंस छपरी है, ये तो कोई बात नहीं होती भाई। क्राफ्टन प्लीज कुछ करो भाई, अपने मैनेजमेंट का कुछ करो। मैनेजमेंट वॉज फैंटास्टिक, मैं तीनों के तीनों दिन रह के आया हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम मैनेजमेंट की नहीं थी, यहाँ पे प्रॉब्लम ऑडियंस की थी। क्राफ्टन ने तीनों के तीनों दिन सारे मैचेस फ्री रखे थे हर एक इंसान के लिए, कोई भी आके कभी भी बैठ के कहीं पे भी देख सकता था। उन्होंने एंट्रेंस एग्जिट सब कुछ सेम रखा क्रिएटर्स के लिए भी, जिन लोगों को उन्होंने इनवाइट करा था वो लोग भी सेम जगह से जा रहे थे, ऑडियंस आराम से मिल सकती थी हर किसी से, टेक्नो गेमर्स तक को इनवाइट किया गया था, और ऑडियंस ने बहुत प्यार से फोटोज खिंचवाई है उसके साथ में भी। बट आपने तब क्या करा, पहले दिन स्टेडियम आधा भरा रहा, दूसरे दिन स्टेडियम और थोड़ा सा कम ऑक्यूपाइड था, तब तो आप आए नहीं, तब तो सेम वेन्यू था, सेम मैनेजमेंट था, सेम ऑडियंस थी, सेम टिकट का प्राइस था,
तब आप लोगों ने कद्र करी नहीं, लेकिन जब थर्ड डे सबसे ज़्यादा हाइप है, जब वो क्रिएटर्स को बुला रहे हैं, एथलीट्स को बुला रहे हैं, नीरज चोपड़ा सर जैसे को, इवन मॉर्टल और जोनाथन तक इनवाइटेड थे, फाइनल्स वाला दिन था, चैंपियन मिलने वाला था, तो आपको इतनी सी भी ऑब्वियस सी चीज़ नहीं लगी कि आपको थोड़ा सा जल्दी आ जाना चाहिए था 11 बजे से पहले? मेरे को खुद ये बात पता थी, तो मैं खुद 2 घंटे पहले निकला था, वेन्यू पे भी जल्दी पहुंचा था, ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ थी। इवन क्रिएटर्स ने भी स्टोरी डाल के बोला था कि आप लोगों को जल्दी पहुंचना है। टिकट्स को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करा गया जिससे लोगों को ही कन्वीनियंस रहे। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि टिकट्स फ्री होने की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, वो भी ऐसे इवेंट में जहाँ पे इतना बड़ा प्राइस पूल है, इतने सारे क्रिएटर्स, इतने सारे सेलिब्रिटीज मौजूद हैं, वहाँ का अगर वो 1000 रुपये भी ले रहे होते ना एक जने से भी, तो भी लोग खुशी खुशी आते उस टाइम पे। उनका अच्छा खासा खर्चा निकल सकता था, बट दे चोज नॉट टू डू इट। उन्होंने आपसे 1 भी रुपया लेने का नहीं सोचा, अपने खर्चे पे सारा का सारा इवेंट कराया। तुम्हें उल्टा थैंक करना चाहिए, खुश होना चाहिए। जितना गुस्सा तुम थर्ड डे दिखा रहे थे, फर्स्ट और सेकंड डे आते आराम से तुम्हें एंट्री मिलती। और केवल तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया गया था, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एक इंसान के साथ में थी। हमें भी एज अ क्रिएटर ये बोला गया था कि सर अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिल पाएगी, अगर आपको वॉशरूम तक भी जाना है तो भी हम आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकते, आपको वेट ही करना पड़ेगा, या फिर अगर आप बाहर गए तो आप अंदर नहीं आ पाओगे। और जो कॉन्करर की भी टिकट्स देके लोगों को नीचे बिठाया था, उसका रीजन ही सिंपल सा ये था कि कॉन्करर की सारी सीट्स फुल थी। ये इतना ज्यादा ऑब्वियस है भाई, इसमें क्या तुम ऑफेंड हो रहे हो? और नीचे बिठा रहे हैं तुम्हें, एंट्री तो दे रहे हैं, कम से कम फ्री टिकट कर रखे हैं, तो इनका ये तो नहीं मतलब है ना कि भाई जो लोग बल्क में बुक कर रहे हैं उनका भी वो हिसाब लेके चले। कितने कितने लोगों ने ऑनलाइन में 50, 60 या 100, 120, 150 कितने टिकट्स लोगों ने बुक कर रहे हैं, उनको ब्लैक में बेच रहे थे, उसमें भी क्राफ्टन ये हिसाब रखेगा कि कितने टिकट जा रहे हैं? अगर पेड होते तो उनके पास में सारा हिसाब रह सकता था कि इतने लोग हैं और इतनी सीट्स उन्होंने बुक कर दी। पर अगर फ्री एंट्री है तो इतनी अकल तुम्हें होनी चाहिए कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होगा वहां पे, जो पहले आया उसको सर्व कर दिया गया। आप अगर बाद में आ रहे हो तो आपकी गलती है, वहां पे आपको चांस नहीं मिल रहा है अगर, तो और इतना सेंस सब में होना चाहिए। लेकिन नहीं, फिर भी ऑडियंस क्या करेगी, ऑडियंस ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, ऑडियंस ने वहां के वेन्यू का कांच तोड़ दिया, उल्टा उन लोगों की इमेज पूरी खराब कर रहे हैं। और इवन जो गेस्ट आप लोगों के ही एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे थे, उन लोगों के लिए तुमने आना भारी कर दिया, ऐसा कि मॉर्टल जोनाथन को वापस भेज दिया गया, ऐसी हालत कर दी कि क्रिएटर्स को फोन कर कर के बोलना पड़ा बीच रास्ते से वापस लौटने के लिए। जिन गेस्ट से तुम मिलना चाहते थे उन्हीं गेस्ट को तुम लोग गालियां दे रहे हो, उन्हीं की गाड़ियों पे पत्थरबाजी हो गई, विमोन के फादर की गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस मार रहे हैं लोग लिटरली। मैं तुम लोगों को सच में बता सकता हूँ, क्राफ्टन तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा काम कर रहा होता है इन सब चीजों पे। कोई भी गेम बता दो जो 2 बार बैन होने के बाद में इतनी सारी गाइडलाइंस फॉलो कर करके, गवर्नमेंट के साथ में लगातार बात करके इंडिया में अनबैन हुआ वापस से। फ्री फायर को भी इतना ज्यादा टाइम लगा, अभी भी उनको एग्जैक्ट डेट नहीं मिल पा रही है कि कब जाके अनबैन होगा। जब गेम बैंड था तो ये दिक्कत कि अनबैन कब करोगे, अनबैन नहीं करके दे रहे हो। जब अनबैन हो गया दोबारा से तो ये प्रॉब्लम कि तुम लैग फिक्स नहीं कर रहे हो, हैकर कम नहीं कर रहे हो। क्राफ्टन तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा काम कर रहा है, डेली लाखों हैकर्स वो लोग बैन करते हैं। इवन इन BGIS उन लोगों को भी बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था एक ऑफिशियल टूर्नामेंट से किसी टीम को बैन या फिर डिस्क्वालीफाई करने के लिए। ये चीज मुझे खुद बहुत बाद में जाके पता चल पाई, तो एटलीस्ट वी शुड रिस्पेक्ट देयर एफर्ट। अब ऐसे इवेंट्स में फ्री एंट्री भी दे वो, और तुम ही ऐसा कर दो कि पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़े, तो उसमें नुकसान तुम्हारा है और हम सबका है। तो इस चीज को समझो और थैंक यू बोलो क्राफ्टन को इतने बड़े स्टेज पे इतना बड़ा इवेंट हम सब लोगों के लिए फ्री एंट्री रखने के लिए। और आज के बाद यही इवेंट नहीं, किसी भी इवेंट में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अगर तुम्हें किसी चीज से रोकता है ना, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि वो अपनी जॉब कर रहा है, क्योंकि उसकी भी फैमिली है जिसको उसे फीड करना है इन्हीं पैसों से, और उसको भी गाइडलाइंस दी गई है, इसलिए वो रोक रहा है क्योंकि वो उसका काम है और उसको कहा गया है ऐसा करने के लिए। आपके लिए कोई स्पेशली वो दुश्मनी पाल के नहीं बैठा है जो आपको रोकेगा। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, और अगर तुम्हारी परिस्थितियां उनसे अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास में उनको मारने का, उनको गाली देने का कोई भी हक है। दैट बीइंग सेड, आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।